सुन यार, एक फोटो ना ऐसे भी खींचियो ताकि मैं सोशल मीडिया पर डालूं और बहुत सारे लाइक्स एंड कमेंट्स आए। चल खींच जल्दी से। हाँ हाँ। ला दिखा कैसी आई ये फोटोस। अरे देख कितनी प्यारी फोटो आई यार तेरी इसके साथ। वाओ यार कितनी अच्छी फोटोज है। अब ये ना मैं पिछली पोस्ट की तरह फिर से पोस्ट करूंगी, फिर देखियो कितने अच्छे लाइक और व्यूज आएंगे। अरे एक मिनट, पैसे तो रह गए। अभी हम पैसे देकर भूल जाते हैं इसको। बेटा मैंने 2 दिन से कुछ नहीं खाया, मुझे कुछ पैसे दे दो, मैं खाना खा लूंगा। हमारे माथे पे क्या बेवकूफ लिखा है जो हमें बेवकूफ बनाए जा रहे हैं? तू साफ साफ बोलना, पैसे देख के तेरी नीयत बदल गई। अरे एक बात बता, भगवान ने तुझे हाथ पैर दिए तो इनका इस्तेमाल करना। मुझे पता है इन हाथ पैरों से तू कमा खा लेगा। कमा खा के ड्रामे कर रहा है। बेटा मैं सच बोल रहा हूँ, मुझे सच में बहुत भूख लगी है। ये गरीबी का नाटक करने की ना कोई भी जरूरत नहीं है, मुझे अच्छे से पता है मेहनत इनको करनी नहीं होती, बस मुफ्त का खिलवा लो इनसे। और हाँ, तुम्हारे जैसे गरीब और भिखारी ना हमारे पास दिन में कितने आ जाते हैं, तो हम सबको खाना खिलाते रहेंगे क्या? चल चल निकल यहाँ से। अच्छा रुक, तुझे सच में भूख लगी है ना, रुक तेरे लिए कुछ लेकर आता हूँ। ये ले इसे खा ले, इसमें फ्रूट्स हैं, तूने तो जिंदगी में कभी खाए नहीं होंगे ना, ये खा ले। अरे बेटा ये तो खाली है, इसमें तो कुछ भी नहीं है। तो तुझे क्या लगा हम यहाँ पर तेरी सेवा करने के लिए खड़े हुए हैं? अच्छा सुन, आज ना हमारा मूड बहुत अच्छा है, तो ये अपनी गंदी सी शक्ल दिखा के ना हमारा मूड खराब मत कर, हम निकले यहाँ से। तो क्या मेरे साथ फोटो खिंचवाने के लिए तुम ऐसा कर रहे थे? तो तुझे क्या लगा था हम यहाँ और किसने खड़े हैं? और हाँ, इस बार तो हमने फोटो खिंचवाई है, अगली बार पूरी वीडियो बनाऊंगी, उस वीडियो को डालूंगी ना तो मैं वायरल हो जाऊंगी। आज ना हमारा मूड बहुत अच्छा है, तो ये अपनी गंदी सी शक्ल दिखा के ना हमारा मूड खराब मत कर, हम निकले यहाँ से। चल निकल। आप लोगों ने मेरे साथ बिल्कुल अच्छा नहीं किया और आप एक गरीब का मजाक उड़ा रहे हो। इसकी हिम्मत कुछ ज्यादा नहीं बढ़ रही है, देख तो जरा कैसे जबान चला रहा है अपनी। अब वो बुड्ढे ज्यादा जवान मत चला, क्योंकि तेरी औकात नहीं है हम लोगों से बात भी करने की, अपनी नजर ना नीचे रकम से समझा। अरे तुझे तो हमारा एहसान मंद होना चाहिए कि हमने तेरे साथ फोटो खिंचवा ली, वरना हम जैसे अमीर लोग तो जैसे गरीब को मुंह क्यों लगाएंगे? अपनी औकात देखिए तूने। अरे तू अपने आप को खुश नसीब मान कि हम जैसे लोगों ने तुझसे बात करी है, हाई क्लास लोगों ने। माना कि तुम लोग अमीर हो, हम भी इंसान है, हमारी भी कोई इज्जत है। आप लोग मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते, आप लोगों को हमारी मजबूरी का फायदा नहीं उठाना चाहिए। बस यार बहुत हुआ, मैं नहीं सुन सकती इसके बकवास। अभी रुक, तेरी इतनी हिम्मत तू हमें ज्ञान देगा? देख तेरे को अभी भी समझा रहा हूँ, अगर और चांटे नहीं खाने ना तो चुप हो जाएंगे यहीं। चल यार हमें यहाँ खड़े होकर अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, बहुत बकवास सुन ली इसकी। चल यार अब चलते हैं। बॉस आप यहाँ क्या कर रहे हो? हाँ लेकिन तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? कुछ नहीं सर, वो बस गरीब को खाना देने आए थे हम। यस सर, हम ना गरीबों की बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं और हमारा नेचर भी ऐसा ही है, आप तो वाकिफ हैं इस बात से। एक्चुअली ये जितने भी गरीब बेसहारा लोग होते हैं ना, हम उनकी हेल्प करते हैं जितना हमसे हो पाता है, हमसे इनका दर्द नहीं देखा जाता सर, बस हम इसलिए इन गरीबों की हेल्प करते हैं। मुझे अच्छा लगा ये जान के कि आप लोग इन जैसे लोगों की मदद करते हैं। मुझे ये भी नहीं पता था कि मेरी कंपनी में इतने अच्छे लोग काम करते हैं जो लोगों की मदद करते हैं, उन्हें खाना प्रोवाइड कराते हैं। वैसे मेरे पास तुम लोगों के लिए सरप्राइज है, लेकिन मेरे पास उससे पहले आप दोनों के लिए कुछ है, क्या आप देखना चाहोगे? ये वीडियो देखो। आप दोनों ही हो ना ये? क्या हुआ, अभी तो आप दोनों मदद करने का दावा कर रहे थे, अब ये वीडियो देख के आप दोनों को होश उड़ गए? क्या हुआ, आप दोनों की बोलती क्यों बंद हो गई? सर ये वीडियो मैंने ही बनाई है, वो तो मैं यहाँ किसी काम से आया था, तो मैंने देखा कि आप दोनों किसी गरीब की मदद कर रहे हो। मुझे देख के बहुत अच्छा लगा कि मेरे ऑफिस में ऐसे एम्प्लॉय हैं जो लोगों की मदद करते हैं, लेकिन जब मैंने पास आके देखा तो मुझे बहुत शर्मिंदगी हुई ये देख के कि आप दोनों इस गरीब के साथ मजाक कर रहे हो, गरीबी का मजाक बना रहे हो। आप दोनों इस बुजुर्ग इंसान के साथ मस्ती कर रहे थे, इनका मजाक बना रहे थे। अरे इनकी उम्र पर तो जाते तुम्हारे पिताजी के समान ही है, तब भी तुम इनके साथ इतनी बदतमीजी कर रहे थे। इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाई है ताकि लोगों के सामने आप दोनों की सच्चाई आए। सर सर आप प्लीज इस वीडियो को डिलीट कर दीजिए, इससे हमारा बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है और स्पेशली मेरा। सर मैं सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हूँ,
सर प्लीज आप ये वीडियो डिलीट कर दीजिए, अगर ये वीडियो वायरल हो गई तो मेरी सोशल मीडिया पर क्या इमेज रह जाएगी। नहीं, मैं ये वीडियो डिलीट नहीं करूँगा, क्योंकि तुम्हारे फॉलोअर्स को भी तो पता चलना चाहिए कि तुम कितने पानी में हो। तुम झूठ बोलती हो उनसे कि लोगों की मदद करती हो, तुम लोगों की मदद नहीं करती बल्कि उनकी फीलिंग्स के साथ खेलती हो, गरीबों का मजाक बनाती हो। आपको पता है मुस्कान, आप जैसे लोग ही होते हैं वो जो कुछ फॉलोअर्स के पीछे गरीबों का मजाक बनाते हैं। आप लोगों के पेरेंट्स ने आप लोगों को यही सिखाया है, गरीबों का मजाक बनाना? नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्या नहीं है? ये दिखावा बंद करो। अरे मेरे सामने तो छोड़ो तुम, बल्कि मैं तुम्हारी ये सच्चाई ना लोगों के सामने लाऊंगा इस वीडियो के थ्रू। इस वीडियो को मैं ज़्यादा से ज़्यादा वायरल करवाने की कोशिश करूँगा। देखना तुम, मैं तुम लोगों के साथ क्या करता हूँ। आप लोगों को इन लोगों पे बिल्कुल भी दया नहीं आती? अरे देखो इन्हें, तुम्हारे पिता समान है, तब भी तुमने इनके साथ ऐसा किया? थोड़ी तो शर्म बची है तुम्हारे अंदर, या वो भी गई? आप लोग तो अच्छी जॉब करते हो, लेकिन इन बेचारों का काम ना रोड पर झाड़ू मारना है। आप लोग पढ़े लिखे हो, लेकिन इन बेचारों का काम रोड पर झाड़ू मार के चलता है। अगर आप इनको 10-20-50 रुपये दे दोगे ना तो आपको कुछ घिस नहीं जाएगा, लेकिन इन लोगों की बहुत मदद हो जाएगी। और तुमने क्या किया, इन्हें पैसे देने की बजाय इन लोगों का मजाक बनाया। अगर तुम लोग मान के चलो कभी मैं तुम लोगों की सैलरी ना दूँ, बल्कि मैं ऐसा ही करूँ जैसे तुमने इनके साथ किया है, तुमसे पैसे लेके और तुमसे पैसे छीन लूँ, तो कैसा लगेगा आपको? अच्छा लगेगा आप लोगों को? अच्छा नहीं लगेगा आपको, क्योंकि आप कभी नहीं चाहोगे कि मैं ऐसा करूं आप लोगों के साथ। तो आपने इनके साथ क्यों किया? अगर तुम लोग किसी की मदद नहीं कर सकते ना, तो उनका मजाक भी मत बनाओ। थोड़े से शो ऑफ के चक्कर में, थोड़े से फॉलोअर्स के चक्कर में आप दोनों ने गरीब का मजाक बनाया। ये एक्सपेक्ट नहीं था मुस्कान मुझे तुमसे, और अरुण तुमसे भी। फॉलोअर्स के नाम पर गरीबों का मजाक नहीं बनाना चाहिए। मैंने तुम लोगों से कहा था ना कि मेरे पास तुम लोगों के लिए सरप्राइज़ है। अब वो वक्त आ गया है कि मैं तुम लोगों को सरप्राइज़ दिखाऊँ। यू गाइज आर फायर्ड। मुझे तुम जैसे लोग अपनी कंपनी में चाहिए नहीं, खासकर ऐसे लोग जिनकी सोच तुम जैसी है। सॉरी सर, प्लीज़ हमें माफ़ कर दीजिए, आगे से हम कभी ऐसा नहीं करेंगे। और हाँ, ये वीडियो डिलीट कर दो प्लीज़ सर। रहने दो साहब, इन दोनों को माफ़ कर दो। देखा तुमने, तुमने इनके साथ इतना बुरा बर्ताव किया, फिर भी ये चाहते हैं कि मैं तुम्हें माफ़ करूँ, तुम्हें कंपनी से ना निकालूँ। सीखो इनसे कुछ, भले ये गरीब हो लेकिन इनका दिल बहुत बड़ा है, तुम जैसे लोगों से तो लाख गुना बड़ा, समझे? अंकल प्लीज़ आप हमें माफ़ कर दीजिए, हम तो बस वीडियो सोशल मीडिया के लिए बना रहे थे, पर जो हम सोशल मीडिया पर दिखा रहे हैं वो एक बहुत अच्छी चीज़ है, पर रियल लाइफ में हम क्या कर रहे हैं आज वो हमारे सामने आ गया। अंकल वी आर रियली सॉरी, प्लीज़ हमें माफ़ कर दीजिए। कोई बात नहीं बेटा, मैंने तुम दोनों को माफ़ कर दिया है, पर आगे से कभी किसी गरीब का मजाक मत उड़ाना जैसा कि तुम लोगों ने मेरा बनाया है। चलो निकलो यहाँ से अब तुम लोग। अंकल जी इन्हें माफ़ कर दीजिएगा, इनकी तरफ से मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। आपको भूख लगी है ना? जी बेटा। चलिए मैं आपको खाना खिलाता हूँ, आइए।